हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम आर. पूछा गया कि डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स है कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, देन या ओपन या क्लोज, एक्सार्च या एंडार. तो अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, तो डाइकोट स्टेम का अगर हम यहाँ पे सेक्शन ले तो हमें पता है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, एपिडर्मिस, जिसपे यहाँ पे एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्राइकोम्स है. तो ये क्या है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या होगा, हाइपोडर्मिस, दैट इज मेड अप ऑफ कोलेंकाइमा. हाइपोडर्मिस, इसके अंदर की तरफ जनरल कॉर्टेक्स है. एंड इसके अंदर की तरफ क्या होगा यहाँ पे, ये जो है एंडोडर्मिस. ये क्या है, एंडोडर्मिस. और यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकल है. तो यहाँ पे अगर हम देखें वस्कुलर बंडल जो होगा उसमें, जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऐसे अगर हम देखें, इतना जो है ये क्या है, फ्लोएम है. ये क्या है, फ्लोएम है. और यहाँ पे जो है ये क्या है, कैम्बियम है. ये लेयर अगर हम देखें तो ये वाला लेयर कौन सा है, कैम्बियम. और कैम्बियम के अंदर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ जो जाइलम है उसमें अगर हम देखें, मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, ऐसे बाहर की तरफ. एंड प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ है. यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है, ऊपर. यहाँ पे अगर हम देखें बाहर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम. और अंदर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम. और यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोएम के ऊपर की तरफ जो है सेमी ल्यूनर पैच में यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पैच में, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट है. ये क्या है, पेरिसाइकल का पार्ट है, जिसमें ये क्या है, सेमी ल्यूनर पैच में स्क्लेरेंकाइमा. तो अगर हम देखें यहाँ पे, पहला तो यहाँ पे क्या है, वस्कुलर बंडल्स कैसे है. ये जो वस्कुलर बंडल है ये क्या है, कॉन्जॉइंट है. कॉन्जॉइंट में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा वो सेम रेडियस में प्रेजेंट है. तो ये कॉन्जॉइंट तो है. नेक्स्ट अगर हम देखें, कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ये ओपन टाइप हुआ, अगर एब्सेंट होता तो क्लोज टाइप होता. तो ये तो गलत ही दिया हुआ, क्लोज वाले ये तो गलत होंगे. नेक्स्ट यहाँ पे जो जाइलम अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा कंडीशन है, यहाँ पे एंडार्क कंडीशन है. एंडार्क क्यों है, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पिथ के टूवर्ड है. यहाँ सेंट्रल में अगर हम देखें, यहाँ पे वेल डेवलप्ड पिथ है, यहाँ पे तो पिथ के टूवर्ड है. एंड मेटाजाइलम ऐसे बाहर की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडार्क बोलते हैं. तो एक्सार्च तो होगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है. तो ये वाला सही होगा कि कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंड डार्क है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द